एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। आज मैं लॉट नंबर 2 की रिव्यू करूंगा। लॉट नंबर 1 की वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो लॉट 2 में मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ, एक ग्रुप थियोरी और स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक आया है, एक फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आया है, सब प्रैक्टिस क्वेश्चन की। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक वॉल्यूम आया है, यहाँ पर ऑल इनऑर्गेनिक कवर, सब इनऑर्गेनिक चैप्टर वहाँ पर कवर हो चुका है। उसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा बुक है, जनरल एप्टीट्यूड, जिसके बारे में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो इस बुक को, 30 मार्क्स आता है एज पर CSIR नेट इज कॉन्सर्न, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुक आया है। तो मैं एक एक करके इसका रिव्यू करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला बुक जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बुक, जहां पर पहले आप लोग देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ए ब्लॉक एलिमेंट जिसका और एक नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड बेस, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, पीरियोडिसिटी, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और लास्ट में दिया गया है एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैं एक चीज देखा कि यहाँ पर असाइनमेंट में ओनली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिया गया है CSIR नेट और गेट की, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया गया है, और लास्ट में आंसर की दिया गया है। सबसे डिसएडवांटेज यही है इस बुक की कि इसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। सो जो जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके लिए ये बुक उतना हेल्पफुल नहीं होगा। क्वेश्चन मिल जाएगा बट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए आपको यूट्यूब में जाना पड़ेगा, और कहीं कहीं वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हो, वहां पर भी सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। इज इट क्लियर? तो यही है, हर एक चैप्टर की यही सीक्वेंस होगा, ओनली क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के साथ साथ कोई कोई चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है प्रीवियस ईयर्स को छोड़ के, और लास्ट में वो आंसर की, एकदम सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया गया है। ये डिसएडवांटेज है इस बुक की। सो ये गया है। अब आते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा बुक जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस बुक। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री की कौन सा चैप्टर दिया गया है? केमिकल काइनेटिक्स, कोलॉइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, क्वांटम केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, डेटा एनालिसिस, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ये चैप्टर कवर होगा इस बुक से। सो सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिया गया है, और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन कभी कभी दिया गया है, और उसके साथ लास्ट में आंसर की। ओके, ठीक। आप आते हैं प्रैक्टिस बुक फॉर ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यहाँ पर ग्रुप थ्योरी की बारे में दिया गया है, बारे में इसका मतलब इसका ओनली क्वेश्चंस दिया गया है CSIR नेट और गेट की, और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी फुल्ली यहाँ पर दिया गया है, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्वेश्चंस। ओके, सो सेम ही चीज, पहले क्वेश्चन उसके बाद लास्ट में आंसर की। ये सो अब आते हैं जनरल एप्टीट्यूड का बुक। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जो स्टूडेंट एप्टीट्यूड पढ़ के जाओगे उसके लिए आप ये बुक बहुत ही एक अच्छा बुक है। आप इस बुक को Amazon से खरीद सकते हो, ये बुक सिंगल भी मिल सकता है आपको। ओके, सो प्लीज इस बुक को देखो, ये बुक अच्छा दिया गया है। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, उसके साथ साथ बहुत सारे शॉर्ट एग्जाम्पल भी है,
लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दिया गया है सीएसआईआर नेट गेट की, तो ये चीज बहुत ही अच्छा बुक है। अगर मैं इसके बारे में दिखाऊं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन भी दिया गया है। देखो गेट 2021 केमिस्ट्री की क्वेश्चन, उसके साथ सॉल्यूशन। अगर मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में बोलूं, वहां पर सॉल्यूशन एकदम प्रोवाइड नहीं किया गया है। ओके, सो अगर आप लोग एप्टीट्यूड की बुक खरीद सकते हो, आप लोग खरीद लेना, क्योंकि वो बुक अच्छा है, अमेज़न में आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, सो लास्ट बुक जो आया है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बुक। सो सेम ही है, यहाँ पर सब ऑर्गेनिक चैप्टर इस बुक में कवर है, उसके साथ साथ सीएसआईआर नेट और गेट की सवाल भी दिया गया है। ये कंटेंट है, आप लोग अच्छे से देख लो। जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, रिएजेंट, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एरोमेटिसिटी, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट और लास्ट में हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। मैं एक चीज बताऊंगा कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस की क्वेश्चंस दिया गया है, बट यहाँ पर एसिमेट्रिक सिंथेसिस की थियोरी कहीं पर भी नहीं दिया गया एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में। सो ये एक डिसएडवांटेज, और एक मैं बोल सकता हूँ, एक चैप्टर दिया गया है क्वेश्चंस, उसकी थियोरी कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो यही था रिव्यू।